अधीरता संबित साधना या किसी भी एक गुरु शक्ति जहाँ प्रस्फुटित हो रही है वो सहन नहीं करती, क्योंकि भय के कारण क्या होता है, आत्मद्रोह होता है, वर्स्ट शिवद्रोह गुरुद्रोह बाद में देखेंगे, बेवकूफ़ी कर पाए, पर आत्मद्रोह हम जो करते हैं वो भगवान भी हमको उससे बचा नहीं पाएंगे। सो वो धीर वो बनना है, तब जाके हम ऐसे स्मरण करते हैं, विघ्न तुम हटाओगी अवश्य, मेरे में ऐसे बल लाना है दोगी, भगवती तो दे, लो तुम तो मेरे ही हो, मैं दूंगी। तब जाके ये प्रच्छन्न भी जो कपट की शक्तियाँ हैं, पता नहीं कितने जन्म जन्मान करके रहते हैं, तो वो कभी एक परिवेश में या तो एक परिस्थिति में वो आती हैं और हमें दबोच देती हैं, हमें जो करना है वो हम कर नहीं पाते, फिर सोचते हैं ऐसे क्यों अधीर हो गया मैं इस प्रकार से। तो उन शक्तियों को भी तुम ही ख़त्म कर देना, केवल आपकी प्रत्यंचा की टंकार से, यानी मंत्र जब गूंजने लगता है ना बीजाक्षर, तो ये सारी शक्तियाँ दुष्ट शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं, वो बस अपने जला देती है वो, तब जाके हमारा जो एक आत्मस्वरूप है या तो गुरु के प्रति हमारी जो श्रद्धा भक्ति है वो प्रज्वलित होती है और हम निमित्त बनते हैं।